नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर भारी बरसात और बिजली चमकने के साथ अलर्ट है और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। तो कैसा रहेगा भोपाल, जबलपुर, कटनी, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद समेत किसी भी जिले गांव या शहर में रहते एमपी में, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां पर रहते हैं मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भारी बरसात को लेकर गरज चमक को लेकर अलर्ट है, साथ में तेज हवाओं के साथ भारी बरसात की गतिविधियां जताई जा रही है। कई इलाकों पर अच्छी खासी बरसात होगी, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़, नर्मदापुरम, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बरसात और गरज चमक के साथ ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर 64.5 मिलीमीटर से लेकर 115.5 मिलीमीटर बरसात की संभावना है और मध्यम बरसात विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, धार, इंदौर, शाजापुर, आगर, नीमच, जबलपुर, नरसिंहपुर व सिवनी जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बरसात और गरज चमक की संभावना और यहां पर 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बरसात हो सकती है। यहां पर होगी गरज चमक के साथ अच्छी बरसात। डिंडोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, कला जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात के आसार है और भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर व उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, जबकि जबलपुर और दोस्तों ग्वालियर के कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बरसात होने की संभावना है। यानी पूरे मध्य प्रदेश में बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार और कुछ कुछ इलाकों पर अच्छी खासी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में परिवर्तन होते हुए भी नजर आएगा। अगर आप भी दोस्तों पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आपके यहां पर दोस्तों जो मैंने अभी आपके जिला बताया वहां पर आपके यहां पर बरसात हो रही है नहीं, जी हां दोस्तों आपके यहां पर बरसात हो रही है हमें कमेंट करके जरूर बताना। उन्हें उज्जैन और एक मलाजखंड में दोस्तों 0.8 मिलीमीटर के करीब बूंदाबूंदी देखने को मिली और कुछ इलाकों पर दोस्तों जो बरसात की गतिविधियों में जो है कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में उत्तरी मध्य प्रदेश और मध्य में जो है बना हुआ है और मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा से मध्य प्रदेश तक बने कम दबाव के क्षेत्र से होकर रायपुर, गोपालपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिम विक्षोभ भी बना हुआ है, इसी वजह से दोस्तों मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर मौसम में हलचल होते हुए नजर आ रही। तो कुछ इलाकों पर अच्छी खासी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में परिवर्तन और अलर्ट भी जताए जा रहे, जो कि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक अभी नया सिस्टम बनने जा रहा, धीरे धीरे उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है और साथ में बरसात की गतिविधियां जारी रहने के साथ पूरे मध्य प्रदेश का मौसम बदलेगा। 24 घंटों के दौरान नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर में भारी बरसात होगी। साथ ही रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, दमोह, हरदा, देवस और खंडवा में भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, कला, सिंगरौली, रीवा, सीधी, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में हल्की से तेज बरसात होने की संभावना और मौसम में ठंडक और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में हलचल भी देखने को मिल सकती है। अगर आप भी एमपी में रहते तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, कल रात को भी कई जगहों पर मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बरसात के साथ यहां पर मौसम में अलर्ट देखने को मिला और साथ में यहां पर भी तेज हवाओं के साथ परिवर्तन हुआ और हल्की बरसात की गतिविधियों के साथ कुछ इलाकों पर दोस्तों जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में हमें IMD के मुताबिक दोस्तों जो है 24 से 48 घंटों के दौरान काफी ज्यादा जगहों पर येलो ऑरेंज अलर्ट देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो कल तक दोस्तों 48 घंटों तक अच्छी खासी बरसात होगी और दो दिनों में जबलपुर संभाग के समय दोस्तों अनेक इलाकों पर मध्यम से भारी बरसात की संभावना काफी अधिक है। साथ में जबलपुर संभाग और साथ में कटनी, मंडला, डिंडोरी और साथ में यहाँ पर बालाघाट, नरसिंहपुर समेत आसपास के इलाकों पर जो है ना जिलों में कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात को लेकर भारी अलर्ट है और यहाँ पर दोस्तों शनिवार तक यहाँ पर तवा डैम को गेट जो है 5 गेट खोल दिए गए। हालांकि मानसून के पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ने से मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगेगी और बरसात का दौर धीमा होते हुए नजर आ सकता है। अगर आप भी एमपी में रहते तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हमें कमेंट करके जरूर बताना। के साथ एमपी का मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है, कुछ कुछ इलाकों पर भारी से भारी मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साथ में 24 से 48 घंटों के दौरान बरसात की संभावना बन रही है, मौसम में परिवर्तन भी होते हुए नजर आएगा। यहां पर रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बैतूल, दमोह, हरदा, देवास में भी जगह जगह पर बरसात हो सकती है और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बादलों की वजह जारी रहने के आसार है। यहां पर दोस्तों कुछ जिलों में बताया जा रहा है कि अच्छी खासी बरसात के साथ पूरे जबलपुर में अगले 3 दिन छिटपुट बुधवार गुरुवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ अलर्ट है। यहां पर कटनी की बात करें तो दोस्तों मंगलवार बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट जताए जा रहे हैं। यहां पर मौसम विभाग की माने तो पूरे के पूरे भोपाल का मौसम बदलेगा, 4 दिन तक अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है।
यहाँ पर सीधी में दो दिन छिटपुट मंगलवार बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट जताया जा रहा है। बड़वानी में चार दिन छिटपुट बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर ग्वालियर में दोस्तों दो दिन छिटपुट, उसके बाद अच्छी खासी बरसात और बिजली चमक सकती है। यहाँ पर धार में दोस्तों पूरे सात दिन छिटपुट बरसात होगी। मौसम में ठंडक और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहाँ पर उज्जैन की बात करें तो तीन दिन छिटपुट, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बरसात की गतिविधियों के साथ बादलों की वजह के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। हरदा में दोस्तों तीन दिन छिटपुट बुधवार गुरुवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। शिवपुरी में तीन दिन छिटपुट बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। मंदसौर में तीन दिन छिटपुट, मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। रायसेन में तीन दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम में ठंडक रहेगा। यहां पर शाजापुर की बात करें तो चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम में ठंडक और भारी बरसात को लेकर अलर्ट और बिजली भी चमक सकती है। यहां पर बताया जा रहा है कि विदिशा में तीन दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। यहां पर मौसम विभाग की माने तो पूरे के पूरे दोस्तों मौसम विभाग की माने तो श्योपुर में चार दिन अच्छी खासी बरसात होगी। यहां पर मौसम विभाग की माने तो अशोकनगर में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। साथ में यहां पर बताया जा रहा है कि सतना में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। यहां पर गुना में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। यहां पर खंडवा में पूरे सात दिन छिटपुट बरसात होगी। मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। यहां पर डिंडोरी में चार से पांच दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। होशंगाबाद में तीन दिन छिटपुट बुधवार गुरुवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। सिंगरौली में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। यहां पर उमरिया में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। रतलाम में छिटपुट बरसात होगी। राजगढ़ में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। देवास में चार दिन छिटपुट के साथ अच्छी बरसात। मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि छतरपुर में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। अलीराजपुर की बात करें तो पूरे चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। बुरहानपुर में छिटपुट के साथ अच्छी बरसात होगी। भिंड में दो दिन छिटपुट मंगलवार बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। यहां पर सागर की बात करें तो चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। नीमच में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। दतिया में दो दिन छिटपुट बुधवार गुरुवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। यहां पर पन्ना में अगले चार से पांच दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। साथ में सीहोर में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहां पर रीवा में दोस्तों अगले चार दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो शिवनी में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे शेड्यूल का मौसम बदलेगा। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहां पर दमोह में दोस्तों चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। मौसम विभाग की माने तो पूरे के पूरे दोस्तों टीकमगढ़ में दो दिन छिटपुट, उसके बाद भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहां पर जाबो में पूरे सात दिन छिटपुट बरसात, मौसम में ठंडक रहेगा। इंदौर में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक है। यहां पर मुरैना में दो दिन छिटपुट मंगलवार बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। नरसिंहपुर में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बालाघाट में अगले सात दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। मंडला में पूरे चार दिन तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। यहां पर छिंदवाड़ा में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। बैतूल में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। मौसम ठंडा सोना रहेगा। यहां पर अनूपपुर में पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। यहां पर आगर की बात करें तो पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। निवाड़ी में दो दिन छिटपुट मंगलवार बुधवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के बरसात में इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम ठंडा सोना रहेगा। एमपी के विभिन्न इलाकों पर मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बादलों की वजह जारी रहेगी। तो यह था पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का मौसम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। और मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, मध्य प्रदेश में दोस्तों भले ही बरसात में थोड़ी कमी है, लेकिन छिटपुट बरसात जारी रहेगी। अचानक मौसम में बदलाव के साथ यहां पर कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात के साथ बादलों की वजह भी देखने को मिली और साथ में तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी हुआ है। कुछ इलाकों पर मौसम में ठंडक तो कुछ इलाकों पर बादलों की वजह के साथ मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार विभिन्न इलाकों पर देखने को मिलेंगे। तो यह था आज का मौसम सिस्टम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।